तो आज जो बात करने वाले हैं अपन चरक संहिता के इतिहास के बारे में। जो चरक संहिता का इतिहास है वो बहुत ज़रूरी होता है पढ़ना। क्यों ज़रूरी? क्योंकि जो अपन संहिता स्टार्ट कर रहे हैं उसके बारे में एटलीस्ट अपने को ये तो पता होना चाहिए कौन उपदेशता है, कौन संस्कृता है, इसमें क्या इंपोर्टेंस रखी गई है ना, चरक कौन था, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं। और ये बहुत ज़रूरी है सबके लिए। और जो BMS फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट मुझे सुन रहे होंगे तो उनके लिए तो इतिहास का पॉइंट भी ये इसी में आता है ना। आने वाले जो भी एग्ज़ाम होगा आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहले चरक संहिता का जो इतिहास है। सबसे पहले देखो, जो ज्ञान था ब्रह्मा जी के पास आया है ना। ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को दिया, जो आयुर्वेद का जो ज्ञान था वो ब्रह्मा जी से दक्ष प्रजापति और दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमार तक आया, और अश्विनी कुमार तक उसके बाद इंद्र को जाता है। ये जो काल माना जाता है इंद्र तक का काल, वो कौन सा माना जाता है? देविक काल है ना। और इसके बाद जो लोक यानी इस धरती पर आया आयुर्वेदिक, वो माना जाता है लौकिक काल। तो अपने लिए दो काल हो गए, एक तो देविक काल और लौकिक काल, ठीक है। तो इंद्र के बाद क्या आता है? चरक संप्रदाय और सुश्रुत संप्रदाय, और ये अलग अलग हो जाते हैं। क्योंकि सुश्रुत किस में श्रेष्ठ था? शल्य में श्रेष्ठ था। और चरक किस में श्रेष्ठ था? काय यानी चिकित्सा में श्रेष्ठ था। इसलिए इसका क्या है, जो आयुर्वेदिक अवतरण माना जाता है वो थोड़ा सा डिफरेंट है सुश्रुत की तुलना में, क्योंकि वहाँ पर आचार्यों के नाम चेंज हो जाते हैं, वहाँ संहिता का नाम चेंज हो जाता है ना। तो अपने जो दीर्घन जीवितम अध्याय अपन फर्स्ट पढ़ेंगे बेटा, उसमें क्या होगा कि वहाँ पर आयुर्वेद अवतरण पढ़ेंगे कि कैसे धरती पर आयुर्वेद आया है ना। तो वहाँ पर क्या हुआ, इंद्र के पास कौन जाता है? भारद्वाज जाता है। भारद्वाज जाता है तो वो वहाँ से ज्ञान लेके आता है इंद्र के पास। फिर वो इंद्र के पास ज्ञान आके वो सबको जो तर्पण ऋषि थे उनको देता है ना। वहाँ पर बताता है कि ऐसे ऐसे करना है ना। मीटिंग होती है फर्स्ट दीर्घन जीवितम अध्याय में, संभाषा जिसको बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, फिर वो क्या करता है अपने वहाँ पर एक ऋषि और होता है, उस ऋषि का नाम क्या था? आत्रेय पुनर्वसु। आत्रेय पुनर्वसु के फिर छह शिष्य हुए है ना। वहाँ पर पढ़ेंगे अपन शारपाणी, भेल, जत्तुगण, इन और अग्निवेश। तो अग्निवेश अपनी संहिता लिखता है अग्निवेश तंत्र, क्योंकि पुराने समय में जो लिखी जाती थी वो संहिता नहीं लिखी जाती थी, वो क्या लिखे जाते थे? तंत्र लिखे जाते थे। जैसे अग्निवेश ने लिखा अग्निवेश तंत्र, भेल ने लिखा भेल तंत्र है ना। तो उसके बाद जिसने संहिता बनाई वो अग्निवेश तंत्र के बाद जो संहिता बनती है, ध्यान रखना। तो देखो अब अपन देखते हैं क्या क्या पढ़ा अपन ने। सबसे पहले जो उपदेष्टा हुए हैं या मूल उपदेष्टा हुए हैं वो कौन हुए? देखो नोट्स में देखना, उपदेष्टा है मूल उपदेष्टा कौन हुए? आत्रेय पुनर्वसु हुए, ठीक है, इस चीज को देखना। अब इसका काल अपन याद रखेंगे। आद्य उपदेष्टा या क्वेश्चन पूछा गया मूल उपदेष्टा कौन है चरक संहिता का? आत्रेय पुनर्वसु। इसका काल क्या है? 1000 ईसा पूर्व। फिर आता है तंत्रकर्ता। कर्ता मीन्स लिखने वाला है ना, जिसने लिटरेचर तैयार किया इसका, तो ये कौन था? अग्निवेश है ना। छह शिष्य थे आत्रेय पुनर्वसु के, उसमें से सबसे बुद्धिमान शिष्य कौन था? अग्निवेश था। इसलिए इसने क्या बनाया था? अग्निवेश तंत्र बनाया था। और इसका काल भी सेम है, क्योंकि गुरु शिष्य का काल तो सेम ही होगा, इसलिए ध्यान रखना 1000 ईसा पूर्व काल माना जाता है, ठीक है। फिर आता है प्रतिसंस्कर्ता। प्रतिसंस्कर्ता ने क्या किया इस पर? क्या किया, जो अग्निवेश तंत्र था उस पर क्या बनाया? इसकी संहिता बनाई। और वो कौन थे? चरक। चरक का काल क्या है? देखो इसमें चरक में र दिख रहा ना, तो र कैसे लिखते हैं अपन? ऐसे लिखते हैं दो की तरह, तो दूसरी सदी याद रह जाएगी अपने को। तो इसका काल भी याद हो गया, चरक कौन था? अग्निवेश तंत्र का प्रतिसंस्कर्ता है ना। तो इसने क्या बनाई? चरक ने चरक संहिता बनाई, ठीक है। और उसके बाद आता है द्विती प्रतिसंस्कर्ता। द्विती प्रतिसंस्कर्ता कौन थे? जो चरक संहिता बनी उसका वापिस से प्रतिसंस्कर्ता किया है दृढ़ बल ने। और इसने कितने चैप्टर इंक्लूड किए हैं चरक संहिता में? 41 चैप्टर इंक्लूड किए थे है ना। तो ध्यान रखना है चरक संहिता का प्रथम संस्कर्ता माना जाता है, और अग्निवेश तंत्र का द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता माना जाता है दृढ़ बल। और इसमें शब्द आते हैं दृढ़ बल, यानी 4 वर्ड्स आ रहे हैं दृढ़ बल, तो 4th शताब्दी हो जाएगा इसका काल। क्या हो जाएगा? 4th शताब्दी भी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 2 मिनट रुकना, कुछ बच्चे और ऐड होना चाह रहे हैं। तो देखो अपन ने अभी तक क्या पढ़ा, उपदेष्टा कौन हुआ? आत्रेय पुनर्वसु। इसका काल 1000 ईसा पूर्व था। संस्कर्ता या तंत्रकर्ता अग्निवेश हुआ, इसका भी काल सेम है। प्रतिसंस्कर्ता कौन है अग्निवेश का? चरक हुआ, जिसने क्या बनाई? चरक संहिता बनाई। और इसका काल 2 शताब्दी हुआ। फिर आता है द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता, जिसने क्या किया, चरक संहिता का प्रथम प्रतिसंस्कर्ता माना जाता है, और अग्निवेश तंत्र का द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता माना जाता है दृढ़ बल। इसने 41 चैप्टर इंक्लूड किए थे चरक संहिता में, ठीक है। इसका काल है 4th शताब्दी, बस इतना सा याद रखना है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, चरक के बारे में थोड़ी सी देखते हैं लिटरेचर या हिस्ट्री क्या थी। तो चरक का जो वास्तविक नाम है बेटा कपिस्टल चरक था। क्या था? कपिस्टल चरक नाम था। इसके पिताजी का नाम क्या था? विशुद्ध। जो खुद ही इतना शुद्ध है मानो, उसके पिताजी तो बहुत ज़्यादा शुद्ध होंगे, तो ध्यान रखना विशुद्ध इसके पिताजी का नाम।
ठीक है, ये चीज़ को ध्यान रखना। यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे जब वाइवा में क्वेश्चन आता है कि पिताजी का नाम पूछ रहे हैं, गुरुजी का नाम बताएं, तो इसमें ध्यान रखना चरक क्या है, शुद्ध है, खुद इतना प्योरिटी है, तो ही तो इतना इतना बड़ा लिटरेचर लिख दिया। तो चरक क्या है, शुद्ध, तो इनके पिताजी और ज़्यादा बड़े शुद्ध होंगे, तो भी शुद्ध से याद रह जाएगा भी। लेकिन गुरु का नाम क्या है, वेसंपायन, ध्यान रखना इस चीज़ को, गुरु का नाम वेसंपायन, मिक्स मत करना है, ठीक। और निवास स्थान देखें अपन कहाँ पर, जो इनका निवास स्थान माना जाता है वो पंचनन या कपि, जो कपिस्थल ग्राम है वहाँ पर माना जाता है ना, या कह सकें इनडायरेक्टली अपन कहें तो पंजाब के इर्द गिर्द इनका निवास स्थान माना जाता है। गोत्र प्रवर्तक तथा यायावर कोटि के ऋषि माना जाता है। देखो यायावर कोटि क्या होता है, पहले क्या होते थे पुराने समय में, जो वैद्य या कह दूं मैं जो आचार्य होते थे वो घूम फिर कर रहते थे, है ना, इस जंगल से उधर गए, वहाँ पर अपना थोड़ा बहुत नॉलेज दिया, है ना, फिर वहाँ से इधर आए, वहाँ पर अपना नॉलेज दिया। तो ये जो घुमंतु वाले ऋषि होते थे वो होते थे यायावर कोटि के, क्या होते थे, यायावर कोटि के। इसलिए कुछ आचार्य कहते हैं कि चरक कौन हुए हैं, यायावर कोटि के ऋषि हुए हैं, और कुछ आचार्य कहते हैं ये शालीन कोटि के हुए। शालीन कोटि के क्या होते हैं, जैसे मैं अपनी ओपीडी बनाकर यहीं मैं चिकित्सा करूँ, तो जितने भी लोग होंगे मेरे पास यहीं आएंगे मेरे रूम पे चिकित्सा करवाने, तो वो क्या हुए, शालीन कोटि का। इसी प्रकार कुछ आचार्य क्या करते थे, खुद की कुटिया बनाकर वहीं निवास करते थे, और वहाँ पर ही क्या रोगी वगैरह आते थे और अपना इलाज करवा के जाते थे, तो इसलिए क्या मानते हैं, शालीन कोटि। जबकि यायावर कोटि क्या होता है, एक जंगल से दूसरे जंगल, दूसरे से तीसरे, यूँ घूम फिर कर चिकित्सा करने वाले कौन होते थे, यायावर कोटि। तो ये दोनों में डिफरेंट पता पड़ा, इसीलिए कुछ आचार्य मानते हैं चरक शालीन कोटि के भी हैं या यायावर कोटि के ऋषि हुए हैं, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों को ध्यान रखना। फिर भाव प्रकाश कहता है कि भगवान जो शेष चरक है वो किसका अवतार माना जाता है, शेष नाग का अवतार माना जाता है। तो अभी हाल ही में अपन ने चरक जयंती मनाई थी, वो किस दिन मनाई थी, नाग पंचमी के दिन मनाई थी, इसीलिए शेष नाग का अवतार माना जाता है। इसीलिए अपन चरक जयंती किस दिन मनाते हैं, जिस दिन नाग पंचमी होती है उस दिन मनाते हैं, ठीक है। फिर देखो आगे, अब क्या है, कुषाण वंशी राजा कनिष्क के राजवैद्य, तो ध्यान रखना है किसके राज्य वैद्य थे, राजा कनिष्क के राज्य वैद्य थे, बस इतनी सी बात है। तो अपन ने अभी तक क्या देखा, इसमें वानस्पति जो इसका वास्तविक नाम है वो कपिस्टल चरक, पिताजी का नाम विशुद्ध है, गुरु का नाम वेसंपायन है, निवास स्थान इसका पंजाब के इर्द गिर्द माना जाता है, यायावर या शालीन कोटि के वैद्य कहते हैं ना। यहाँ पर एक और लिख लेना आप, जब भी आपके नोट्स बनाओ इनको देख के नोट्स खुद के बनाना, है ना, यहाँ पर लिख लेना शालीन कोटि, है ना, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम आ रही है क्या, ठीक है, शालीन कोटि के भी माने जाते हैं। फिर भाव प्रकाश ने इसको चरक को क्या बोला, शेषनाग का अवतार बोला, और ये कौन थे, किसके राज्य वैद्य है, राजा कनिष्क के, है ना, ये कनिष्क है, ध्यान रखना राजा कनिष्क के राज्य वैद्य थे, ठीक है। ये चरक के बारे में देख, अब बात करते हैं अपन दृढ़ बल के बारे में। दृढ़ बल कौन थे, कपिल बलि के पुत्र थे, तो इसके पिताजी का नाम क्या है, दृढ़ बल के कपिल बलि। और ये क्या है, पंचनंदपुरी या काशीपुरी के निवास स्थान माना जाता है, और इसने क्या किया था, संपूर्ण कर्ता माना जाता है। संपूर्ण कर्ता क्या है, इसने 41 चैप्टर इंक्लूड किए हैं चरक संहिता में, कौन कौन से स्थान है, तो चरक में सबसे पहले सूत्र स्थान है, फिर निदान स्थान है, फिर विमान स्थान है, फिर शारीरिक स्थान है, फिर इंद्रिय स्थान है, फिर कौन सा स्थान आता है, चिकित्सा स्थान, फिर आता है कल्प स्थान, फिर आता है सिद्धि स्थान। तो इसने चिकित्सा स्थान में 17 चैप्टर को इंक्लूड किया, जबकि कल्प स्थान के 12 चैप्टर और सिद्धि स्थान के 12, यानी कल्प और सिद्धि पूरा 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 स्थान इन्होंने ही बनाया, कि इन्होंने दृढ़ बल ने, यानी जो चैप्टर बिखरे हुए थे यानी अपूर्ण अवस्था में मिले थे वो किसने पूर्ण किए हैं, दृढ़ बल ने किए हैं। कौन से स्थान के, तो कल्प स्थान और सिद्धि स्थान तो पूरा पूरा, जबकि चिकित्सा स्थान के 17 चैप्टर इंक्लूड, तो ये टोटल कितने हो जाते हैं, 41 अध्याय इन्होंने चरक संहिता में इंक्लूड किया, इसीलिए इनको दृढ़ बल को क्या, चरक संहिता का पूरी कर्ता भी माना जाता है, ठीक है। तो इसमें से आपको याद रखना है, दृढ़ बल के पिताजी का नाम कपिल बलि है, दृढ़ बल ने की संपूर्ण कर्ता माना जाता है किसको, चरक संहिता का कितने चैप्टर इंक्लूड किए थे, 41 चैप्टर, सिद्धि और कल्प जो स्थान है उसमें 12 12 चैप्टर इंक्लूड किए, जबकि चिकित्सा स्थान में 17 चैप्टर। अब कौन से विधि से ये किए हैं, तो सिलोच्छवर्ती विधि धारा इन्होंने जो अध्याय जोड़े हैं वो इस न्याय के थ्रू जोड़े हैं, ध्यान रखना सिलोच्छवृत्ति विधि धारा। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि सिलोच्छवृत्ति विधि क्या है या किसके द्वारा यूज की गई, तो दृढ़ बल के द्वारा, ठीक है। यहाँ तक अपन ने देखी, अब बात करते हैं, देखो टीका, टीकाएं क्या होती, कमेंट्रीज होती, क्योंकि जैसे मान लो कि कई बार थोड़ी अपने समझ में नहीं आती, तो कई लोग क्या करते हैं, जैसे टीकाएं कर लेते, ताकि उसके जो वर्डिंग है, उन श्लोक के अर्थ हैं, वो अपने को समझने में ईजी हो जाए, ठीक है। तो इसी तरह अपने ने जो चरक संहिता है उस पर कितनी टीकाएं अवेलेबल है, 43 टीकाएं, ठीक
ठीक है। वैसे कई बुकों में वेरी करती है, अलग अलग बुकों में कोई बोलता है 41 टिकाई भी है, कोई कहता है 43 है ना, ऐसे बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखने वाली क्वेश्चन यहाँ से आता है कि कुल टिकाओं में से कितनी टिकाएँ संस्कृत की टिकाएँ, तो 17 टिकाएँ, देखो ध्यान रखना। और पहले 17 क्या चीज़ बताई थी मैंने, 17 संख्या में बताया था चिकित्सा स्थान में जो चैप्टर है वो 17 होते हैं, ये चीज़ थी। और अभी अपन पढ़ रहे संस्कृत की जो टीकाएँ हैं वो कितनी है होती हैं, 17 संस्कृत की टीकाएँ, ध्यान रखना इसको बेटा। उसके बाद पढ़ते हैं जिनमें से भी 6 उपलब्ध है, 2 अपूर्ण है, इतना कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन ज़रूर आया हुआ है, कई बार आया कि 17 जो टीकाएँ हैं वो संस्कृत की टीकाएँ हैं और जो बची शेष टीका वो हिंदी टीका है, ठीक है। अब कुछ संस्कृत की टीकाओं के नाम देखते हैं अपन, और ये याद रख सको ठीक है, 43 टिकाएँ टोटल हैं और कई बुकों में 41 भी आपको मिल सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन कई बार ये इतना डाउटफुल है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं लेते हैं, डायरेक्ट लेते हैं कि 17 टिकाएँ संस्कृत की, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आया होगा कि व्रत रही है जो अपनी, व्रत रही में कौन से आती है, चरक आती है, सुश्रुत आती है और अष्टांग हृदय आती है, इनमें से सबसे ज़्यादा जो टीका लिखी गई है वो कौन सी संहिता पर लिखी गई है, तो इसका आंसर क्या होगा, अष्टांग हृदय, क्योंकि अष्टांग हृदय बहुत ईजी सब्जेक्ट है और इसको समझना बहुत आसान था, इसलिए सबने अपने अपने अनुवाद किए, अपना अपनी कमेंट्री लिखी है, ठीक है। इसलिए सबसे ज़्यादा टीकाएँ किस पे लिखी गई है, अष्टांग हृदय पर, ठीक है। 44 टीकाएँ लगभग उस पे होती है, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन कुछ टीका के नाम याद करते हैं, है ना, जैसे टीकाकार का राइट साइड में बता रखा हो टीका का नाम, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऑब्जेक्टिव में कई बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब इसको कैसे याद करना है, देखो जो भट्टार हरिश्चंद्र चंद्र थे उसने चरक न्यास टीका लिखी थी, क्या लिखी थी, चरक न्यास टीका। अब इसको कैसे याद करोगे, देखो हरिश्चंद्र थे वो क्या करते थे, सबके साथ न्याय करते थे, क्या करते थे, न्याय करते थे, तो इसीलिए उनका उनकी टीका में क्या नाम आएगा, न्यास या न्याय, ऐसा वर्ड आएगा, तो ध्यान रखना चरक न्यास या चरक न्याय करके टीका आती है, चरक न्यास, तो वो क्या है, हरिश्चंद्र। तो भट्टार हरिश्चंद्र ने कौन सी टीका लिखी है, चरक न्यास टीका। अब इनका काल देखना, ये बीच में जो ट है वो कैसा दिख रहा है आपको, संस्कृत में अपन क्या लिखते हैं, 6 लिखते हैं ना, लिखते हैं कि नहीं लिखते, तो ये 6ठी सदी काल हो जाएगा, ध्यान रखना है, पूछ रखा क्वेश्चन कि भट्टार हरिश्चंद्र का काल क्या है, तो देखो ट लिखते हैं तो उसमें 6 की तरह लिखते हैं अपन, तो ये 6ठी सदी काल हो जाएगा। इन्होंने कौन सी टीका लिखी चरक पर, तो चरक न्यास टीका लिखी। फिर अपन देखते हैं स्वामी कुमार, स्वामी कुमार ने चरक पंजिका टीका लिखी, क्या लिखी, चरक पंजिका। अब स्वामी कोई भी आते हैं अपने जो साधु संत आते हैं, है ना, वो ऋषि मुनि, अपन उनको स्वामी जी कहते हैं, तो स्वामी जी का जो पंजा है अपने हमेशा सिर पे होना चाहिए, है ना, या चरक संहिता पे होना चाहिए, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो स्वामी जी, स्वामी कुमार की टीका का नाम क्या था, पंजिका, है ना, चरक पंजिका, यानी पंजिका वर्ड देखते आपको ऑप्शन मिले किसकी टीका है, तो ध्यान आ जाना चाहिए स्वामी जी, यानी स्वामी कुमार की टीका, इसीलिए इनको पंजिकाकार भी बोलते हैं, क्योंकि इनकी टीका जो लिखा है उसमें हमेशा पंजिका पंजिका वर्ड आता है, सुश्रुत में भी ऐसा आता है ना, तो इसलिए इनको पंजिकाकार बोल दिया। तो स्वामी जी ध्यान रखना, चरक पंजिका टीका किसकी लिखी गई है, स्वामी कुमार। अब थर्ड टीका के बारे में बात करते हैं, जेजट, जेजट द्वारा कौन सी टीका लिखी गई है, निरंतर पद व्याख्या टीका लिखी गई, ठीक है, निरंतर पद व्याख्या टीका लिखी है। देखो इसमें ज ज निरंतर आ रहा है ना, दो बार आ रहा, निरंतर आ रहा, तो इससे याद रखना निरंतर पद व्याख्या टीका जो है वो जेजट की द्वारा लिखी गई है, ध्यान रखना, ज ज बार बार आ रहा ना, निरंतर आ रहा, कंटिन्यूस फॉर्म में आ रहा, इसलिए कौन सी टीका है, निरंतर पद व्याख्या जेजट की लिखी गई है, ध्यान रखना। ये कई बार ऑब्जेक्टिव आपको मिलेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए मैं रिलेटेड करके बता रहा हूँ, है ना, ये याद रखने के लिए है, ऐसे नहीं कि हाँ भाई ऐसा ही हुआ, नहीं, सिर्फ आपको याद रखने के लिए, ठीक है। अब देखना नेक्स्ट बात करते हैं अपन चरक वार्तिक के बारे में, चरक वार्तिक जो टीका है, चरक वार्तिक टीका है वो किसकी, शिव स्वामी दत्त की लिखी गई है, किसकी है, शिव स्वामी दत्त की लिखी गई है। अब देखो वर्ती बनाते हैं ना अपन, जैसे कि गुद वर्ती पढ़ोगे आप अभी भेषज कल्पना में, है ना, और बहुत सारी वर्तियाँ पढ़ोगे जिससे मल भेदन हो सकता है, तो देखो ध्यान रखो शीर की बनाते हैं, है ना, शीर माने दूध की बनाते हैं अपन वर्ती, तो ध्यान रख लेना चरक वार्ती का टीका किसकी लिखी गई, वर्ती निकाल लेना और शीर निकाल लेना, तो शीर स्वामी दत्त की लिखी गई है चरक वार्ती टीका, ठीक है। वर्ती शीर की भावना देते हैं या शीर की बनाते हैं अपन वर्ती, तो इससे ध्यान रखना चरक वार्ती का टीका शीर स्वामी दत्त की लिखी गई है, ठीक है। फिर आती है परिहार वार्तिक टीका, परिहार वार्तिक टीका किसकी लिखी गई है, तो आषाढ़ वर्मा। देखो इसको कैसे ध्यान रखोगे, अपन परिहार करते हैं ना, जो जैन समाज के हुए होंगे
वो जानते हैं कि एक एक महीने के परिहार करते हैं वो, है ना। कौन से मास में करते हैं? तो आषाढ़ मास में करते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो आषाढ़ जिस भी टीकाकार के नाम में आ रहा है वो क्या है? परिहार। दोनों को मिला लेना ताकि आपका क्या आंसर प्रॉपर बैठ जाए। परिहार वार्तिक टीका किसकी है? आषाढ़ वर्मा की। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। या ऐसे भी ध्यान नहीं रख सको तो ये परी आ रहा ना, तो परिया आषाढ़ में आती है, ऐसे ध्यान रखने लगे। ठीक है, ऐसे ध्यान। फिर देखो, बृहत तंत्र प्रदीपिका टीका नरदत्त की लिखी है। नरदत्त कौन थे? चक्रपाणि जो हुए हैं, जिनकी 11वीं शताब्दी काल है, उनके गुरु का नाम क्या है? नरदत्त है। एक तो ये बात ध्यान रखनी है आपको इतिहास में। दूसरी बात ध्यान रखनी, नरदत्त ने चरक संहिता पे कौन सी टीका लिखी है? तो कौन सी टीका लिखी है यहाँ पर? बृहत तंत्र प्रदीप टीका लिखी है। ठीक है, फिर देखो चरक चंद्रिका, चरक चंद्रिका टीका। देखो ये लेट आते हैं तो प्रॉब्लम होती है फिर। ठीक है, आवाज आ रही है ना? ठीक है, देखो अब चरक चंद्रिका, हाँ अनम्यूट कर लो। चरक चंद्रिका के लिए बात कर रहे थे अपन, चंद्रिका जो चंद्रयान है ना, अभी अभी चंद्रयान अपन ने पहुँचाया, तो साउथ पोल पे पहुँच गया था, तो गया साउथ पोल पे पहुँच गया है ना। गया से याद रखना, गेदास की जो टीका ना टीका है वो क्या है? चरक चंद्रिका। ठीक है, तो गेदास, गेदास की क्या है? गया निकाल लेना यहाँ, गेदास से गया और चंद्रिका, तो चंद्रयान गया, कहाँ पर? चांद पर गया। तो चरक चंद्रिका का टीकाकार का नाम क्या है? गेदास है, ऐसे याद रखना। फिर बात करते हैं चरक भाष्य। अब भाष्य किसने किया था? गीता में भाषण किया, किन किया? कृष्ण भगवान ने। कितना भाषण किया? मतलब बहुत सारे 18 अध्याय बना दिए उस पर। तो श्री कृष्ण वैद्य कृष्ण भगवान में क्या किया था? भाष्य किया। तो इनकी टीका का नाम में क्या आ रहा? भाष्य आ रहा। तो चरक भाष्य टीका किसकी लिखी गई है? श्री कृष्ण वैद्य की। ठीक है, ऐसे याद रखनी है आपको। देखो ऐसे ही याद करोगे तो ही याद रहेगी। अधिक टाइम तक याद रखना आपको कि हाँ भाई मुझे आगे भी एग्जाम देने हैं या मुझे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करना है, तो कैसे सोल्व आउट होंगे? ऐसे ही होंगे वो। ठीक है, मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी दूंगा जब अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद देन अपन देखते हैं नेक्स्ट टीका। चरक प्रकाश कोष्ठक, इसकी टीकाकार का क्या नाम है? नरसिंह कविराज। ठीक है, देखो प्रकाश आ रहा है इसमें, प्रकाश, और इधर क्या आ रहा है? शेर। अब शेर क्या, जो सिंह होते हैं ना, जैसे मान लो कि उनके जो टीका, वो टीका लगाते हैं अपन सर पे, वो क्या है? शेर वाले हैं ना, शेर। जैसे महाराणा प्रताप भी शेर थे, वो एकदम प्रकाश फुल्लित उनका चेहरा था, ऐसे याद रख सकते हो ना। नरसिंह कविराज, सिंह जिसमें आ रहा है उसमें प्रकाश आएगा उसकी टीका में। तो देखो चरक प्रकाश कोष्ठक किसकी लिखी गई टीका है? नरसिंह कविराज की लिखी गई है। तो देखो आपको पूरा नाम रटना नहीं है, बस सिंपल सी टिक, यानी टिक करना है आपको। आपके सामने आंसर भी होगा, आपके सामने क्वेश्चन भी होगा, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देना है। तो कैसे दोगे? जब आपके सामने टीका पूछ ले, चरक प्रकाश कोष्ठक टीका, ऑप्शन दे दे आपको सामने चार हो, तो आप कैसे निकालोगे? प्रकाश से सी निकाल लेना, यानी ऑप्शन में आपको सी दिखेगा उसमें। तो नरसिंह कविराज ने लिखी थी चरक प्रकाश कोष्ठक टीका। ठीक है, फिर बात करते हैं चरक उपस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट टीका है चरक उपस्कार टीका। तो देखो यहाँ से निकालना उपकार है ना, और इधर से निकालना योग्य है ना। जो योगेंद्र नाथ हैं या योगी हैं, वो उसने क्या करते हैं? समाज पर उपकार करते हैं। या अपन बात करें जो यूपी का योगी है, वो क्या कर रहा है? पूरी यूपी पर उपकार कर रहा है। तो ध्यान रखना चरक उपस्कार टीका जो है वो योगेंद्र नाथ सेन की लिखी है। ध्यान रखना योगी, योगी से निकाल लेना उपकार, है ना, ये उपस्कार है लेकिन उपकार ध्यान रखना इसको, ऐसे तो ही होगा क्वेश्चन। योगेंद्र नाथ सेन तो ही याद आएगा आपको, है ना। तो चरक उपस्कार टीका किस टीकाकार का नाम क्या है? योगेंद्र नाथ सेन। फिर बात करते हैं जलकल्प तरु टीका। देखो बहुत सारी टीकाएं हैं, इतनी सारी टीकाएं हैं कि मैं बताते ही चलूंगा अभी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो कैसे याद रखनी है और उनका आंसर कैसे करना है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। देखो जल कल्प तरु जो टीका है वो गंगाधर राय की। अब देखो इसमें गंगा, गंगा क्या होता है? जल बहता है ना गंगा का, धीरे धीरे जल बहता है। तो देखो जल कल्प तरु, तो यहाँ से जल आ रहा और इधर गंगा आ रहा, तो जल कल्प तरु किसकी टीका है? गंगाधर राय की। ठीक है, फिर बात करते हैं चरक तत्व प्रदीपिका टीका, शिवदास सेन की। किसकी है? शिवदास सेन की। तो देखो शिव क्या है? एक तत्व है ना, शंकर भगवान तत्व ही तो है। तो चरक तत्व प्रदीपिका टीका किसकी? शिवदास सेन की है, ऐसे याद रखना आपको। फिर बात करता हूँ चरक प्रदीपिका टीका किसकी लिखी गई है? तो ज्योतिष चंद्र सरस्वती की। देखो इसमें सिर्फ फर्क इतना सा है कि बीच में तत्व नहीं है, चरक प्रदीपिका। यदि बीच में तत्व आ रहा शिव आ जाएगा, शिवदास सेन की, और तत्व नहीं आ रहा तो ज्योतिष चंद्र सरस्वती की। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना। जो दीपिका है ना, दीपिका यानी दीपक, दीपक की ज्योति लगाते हैं ना अपन बीच में, तो ऐसे ज्योतिष चंद्र सरस्वती ने कौन सी टीका लिखी थी जिसमें दीपिका आ रहा, प्रदीपिका, है ना। तो चरक प्रदीपिका और बीच में तत्व आ रहा, वो किसकी हो जाएगी? शिवदास सेन की हो जाएगी, ऐसे याद रखना बेटा, नहीं तो कन्फ्यूज़ होगे दोनों में।
ठीक है। फिर बात करते हैं आयुर्वेद दीपिका टीका। देखो आयुर्वेद दीपिका टीका बहुत इंपॉर्टेंट है, चक्रपाणि की लिखी गई है, चक्रपाणि दत्त की, और इसका काल कौन सा माना जाता है, 11वीं शताब्दी, ठीक है। अब इस चक्रपाणि की जो टीका है वो टीका का नाम क्या है, आयुर्वेद दीपिका, है ना। इसमें देखो दीपिका आ रहा पीछे, तो दीपिका ने रणवीर पर चक्र चलाया था, तो चक्रपाणि में याद रख लेना चक्रपाणि, और इधर दीपिका आ रहा तो इससे मिलान कर लेना, है ना। तो आयुर्वेद दीपिका टीकाकार का क्या नाम था, चक्रपाणि, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन कुछ और चरक संहिता के बारे में। सूत्र स्थान में कुल 30 अध्याय है, है ना। पहले मैं आपको स्थान बता देता हूँ, देखो सूत्र स्थान है सबसे पहले, उसमें 30 चैप्टर आते हैं। फिर होता है निदान स्थान, उसमें 8 चैप्टर। फिर आता है विमान स्थान, 8 चैप्टर, शारीरिक स्थान 8, यानी निदान, विमान और शारीरिक स्थान में 8-8 चैप्टर होते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन इंद्रिय स्थान। देखो चिकित्सा होने से पहले क्या लिखा आचार्य ने, इंद्रिय स्थान लिखा, और ये इंद्रिय स्थान केवल और केवल अपने चरक ने ही लिखा, ठीक है। और इसमें कितने चैप्टर हैं, 12 चैप्टर है, ध्यान रखना। क्यों, इंद्रिय स्थान का मतलब क्या होता है, जिसमें अरिष्ट का वर्णन आए, यानी जो मरने से पहले जो लक्षण आते हैं या जो असाध्य रोग हैं उससे पहले जो लक्षण आते हैं उनका वर्णन कहाँ मिलता है, अपने को इंद्रिय स्थान में मिलता है, ठीक है। फिर चिकित्सा स्थान में 30 चैप्टर है, तो देखो 30-30 चैप्टर कहाँ है, सूत्र स्थान में भी 30 है और चिकित्सा स्थान में भी 30 है, ध्यान रखना। फिर कल्प और सिद्धि में 12-12 चैप्टर, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक। फिर अपन देखते हैं, देखो जो सूत्र स्थान है उसमें क्या हुआ है कि जो 4-4 चैप्टर का कॉम्बिनेशन बनाए उसको बोलते हैं चतुष्क, क्या बोलते हैं चतुष्क। ऐसे 7 चतुष्क का वर्णन आता है, कितने चतुष्क का वर्णन आता है, 7 चतुष्क का वर्णन आता है। और जो संग्रह द्रय हैं, अब 2 चैप्टर बच जाएंगे, यानी कि 7 चतुष्क हैं तो 4-4 चैप्टर का 7 कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, कितने चैप्टर हो जाएंगे, 28 चैप्टर हो जाएंगे। फिर 2 चैप्टर जो बचे वो क्या कहलाएंगे, संग्रह द्रय कहलाएंगे, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखोगे आप, अब इसको कैसे याद करोगे, देखो 7 चतुष्क के नाम याद करने के लिए आपको ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको याद रखना भेस नी, है ना। भेस यानी बहस करते हैं ना अपन बार बार, तो भेस नी करो योजना अन्नपान की, ऐसे याद करना। तो देखो भेस से क्या हो गया, भेस से भेषज चतुष्क, स से स्वास्थ्य चतुष्क, नी से निर्देश चतुष्क, क से कल्पना चतुष्क, रो से रोग चतुष्क, योजना से योजना चतुष्क, अन्न से अन्नपान चतुष्क, ठीक है। तो ये 7 चतुष्क हो जाते हैं, ऐसे ही ध्यान रखना सीक्वेंस में, ध्यान रखना क्यों याद रखना है सीक्वेंस में, क्योंकि 1 से 4 तक चैप्टर किस में आएंगे, इधर आएंगे, ठीक है। फिर क्या है, 5 से 8 तक चैप्टर इसमें आएंगे, इसलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते जाएंगे और यहाँ पर 28 चैप्टर आ जाएगा, ठीक है। 4-4 चैप्टरों के कॉम्बिनेशन है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि चरक संहिता में कितने चतुष्क का वर्णन है, तो 7 चतुष्क का वर्णन है, और उनका कहाँ पर वर्णन है, सूत्र स्थान में, ठीक है। अब देखना भेस नहीं करियो योजना अन्नपान की, इससे याद रखा अपन ने, भेस से भेषज चतुष, स से स्वास्थ्य चतुष, नी से निर्देश चतुष, कल्पना चतुष, रोग चतुष, योजना चतुष और अन्नपान चतुष, ध्यान रखना बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए 5 नंबर में क्वेश्चन भी आ सकता है जो BMS फर्स्ट ईयर वाले हैं कि चरक संहिता में आए हुए चतुष्क का वर्णन करो, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन कौन से चतुष्क आए, ठीक है, इसको ध्यान है। और ऑब्जेक्टिव में भी मिल सकता है कि निम्न में से कौन सा चतुष्क नहीं है चरक संहिता में, तो आपको जो है वो याद होंगे तो ही तो आप नहीं है वाला निकालोगे, ठीक है। फिर बात करते हैं चरक संहिता में, देखो 68 आचार्यों का वर्णन आया, कितने आचार्यों का वर्णन आता है, 68, ध्यान रखना इसको, अ से 8 आ रहा, देखो पीछे 8 आ रहा ना, तो आचार्य याद रखना कितने, 68, है ना। देश कितने हैं अपने चरक संहिता में, कितने देश का वर्णन आया, तो 14 देशों का वर्णन आया, है ना। ऐसे नहीं कि भारत पाकिस्तान है ना बांग्लादेश, नहीं नहीं नहीं, अपने भारत पहले एक संयुक्त राष्ट्र था, तो उसमें कोई राजस्थान मध्य प्रदेश ऐसे नहीं थे, लेकिन जो MP है उसका नाम अलग ही था, है ना, राजस्थान है उसका नाम अलग, मरुभूमि था, ऐसे करके देशों का डिवीज़न कर रखा था, तो इसी को देश बोलते थे अपन, जो स्टेट होते हैं उन्हीं को देश बोलते थे, ठीक है। तो उसके अनुसार जो है उनको देश बोला गया है, तो 14 देशों का वर्णन मिलता है चरक संहिता में। फिर मैं बात करूँ श्लोक कितने हैं, तो 12,000 श्लोक है। देखो टोटल अध्याय कितने हैं इसमें चरक संहिता में, 120, ठीक है। अब इसके पीछे मैं 2 जीरो और लगा दूँ तो क्या हो जाते हैं, वो श्लोक हो जाते हैं, तो देखो 12,000 श्लोक हो गए, ऐसे याद रखना। अब सूत्र कितने हैं, तो 92-95 में याद रखता हूँ, यानी 9,295 सूत्र हैं। और योग कितने हैं, तो 1950, जैसे 50 1950 में क्या हुआ था, अपने योग हुआ था ना, मतलब 2-3 देशों का ऐसे ध्यान रखना, या संधि विच्छेद, मतलब कि पाकिस्तान वगैरह अलग हुए थे, है ना, तो ऐसे थोड़ा बहुत
याद रखना ऐसा कुछ हुआ तो नहीं था, लेकिन योग 1950 में हुआ था, इसे ध्यान रख लेना, क्योंकि तो अपने को चरक संहिता के योग याद रखने हैं। सूत्र कितने हैं? 92-95 यानी 9295, और श्लोक कितने हैं? 12,000 श्लोक है। फिर बात करते हैं संभाषा, संभाषा कितनी हुई है? तो देखो 7 संभाषा हुई। देखो चरक संहिता में चतुष भी कितने थे? 7 थे, और संभाषा भी कितनी है? 7। कहाँ कहाँ पर है? सूत्र स्थान में 30 चैप्टर है, 30 में से पहले चैप्टर में है, 12वें चैप्टर में है, 25वें में है और 26वें में। तो ये 4 संभाषा सूत्र स्थान में मिलती है। शारीर स्थान में मिलती है अपने को 3रे और 6ठे में, यानी 2 संभाषा अपने को मिल गई। सिद्धि स्थान में 11वें चैप्टर में मिलती है 1 संभाषा। टोटल कितनी हो गई? 7 संभाषा अपने को चरक संहिता में मिलती है। ठीक है, तो ध्यान रखना संभाषा कितनी है? 7। सूत्र स्थान में मिली, शारीर स्थान में मिली, सिद्धि स्थान में मिली। सूत्र में कितनी थी? 4, पहले 12वें 25 और 26 में। देखो 25 26 तो एक साथ है, पहला और दो मतलब कि 12वां, पहले 12वें और 25 26 में सूत्र स्थान में होती है। शारीरिक स्थान में तीसरा छठे में, यानी 30, 3 का डबल कितना हो जाए? 6। सिद्धि स्थान में एक ही है, 11वां चैप्टर है ना, 11वें चैप्टर में होती है, फल सिद्धि अध्याय जिसका नाम है ना। तो देखो अब मैं बताता हूँ आपको कैसे याद करोगे। तो देखो ये पूछता है कि जो संभाषा है वो कौन कौन से स्थान में होती है। तो देखो जिस स्थान के नाम से पहले स आता है, देखो सूत्र स्थान में स आ रहा, शारीर स्थान में स आ रहा, सिद्धि स्थान में स आ रहा, तो इन्हीं स्थान में क्या होती है? संभाषा हुई है, क्योंकि संभाषा का भी स और स्थान का भी स, ये मिलान कर लेना। जिस स्थान में स आ रहा, सूत्र स्थान में हुई, शारीर स्थान में हुई, सिद्धि स्थान है ना। ये क्वेश्चन दिया था तो कई बच्चों का गलत हो जाता है, इसलिए कैसे याद करना वो भी मैं आप साथ साथ बता रहा हूँ। फिर देखो चतुर्विध सूत्र, चतुर्विध सूत्र क्या होता है? गुरु सूत्र, शिष्य सूत्र, प्रतिसंस्कृता सूत्र और 21, 4 सूत्र होते हैं। कोई भी संहिता लिखते हैं उसमें 4 ही सूत्र होते हैं। एक तो गुरु बोल रहा है वो गुरु सूत्र हो गया, शिष्य सुन रहा है या उसके डाउट आ गया, उसने पूछ लिया बीच क्लास में, तो वो शिष्य सूत्र हो गया। अब कोई नया कमेंट जो टीकाकार आया उसने अपना, या जो प्रतिसंस्कृता आया उसने अपना सूत्र बोला, तो वो कौन सा हो गया? प्रतिसंस्कृता हो गया। और जो लास्ट में अलग अलग आचार्य होते हैं, जैसे कि कांकायन आ गया, जो आप वाद कला कली अध्याय पढ़े होंगे, जो सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट हैं उन्होंने देखा होगा कि 8 आचार्यों का वर्णन आता है ना, काव्य का वर्णन आया, मरीचि का वर्णन आया। तो ऐसे क्या है, वो अपने मत दे रहे हैं कि मैं इतने मानता हूँ रस, इतने मानता हूँ, या ऐसे वाद के गुण मानता हूँ, है ना। तो वो एक ही सूत्र होते हैं, ठीक है। अब देखो गुरु सूत्र कभी ऑब्जेक्टिव मिल जाता है ना, तो उसमें क्या है, कोटेशन देता है और पूछता है आपको कि कौन सा सूत्र है, तो इसको कैसे याद करोगे? तो देखो इसको ऐसे याद रखना, ने देव बुद्धि मता दृष्टम अग्निवेश। तो देखो बीच में इसमें बुद्धि आ रहा है ना, तो बुद्धि को हाईलाइट कर लेना, क्योंकि बुद्धि तो सिर्फ गुरु जी में ही हो सकती है साहब, शिष्य तो अपने ज़्यादा बुद्धिमान होते नहीं है, तो गुरु में बुद्धि आ रही है इस सूत्र में, तो गुरु सूत्र हो गया। अब देखो शिष्य सूत्र के डाउट आया, जब 50 महाकषाय बता दिए थे यानी 500 कषाय का वर्णन आ गया था, तो उसमें क्या सिमिलर ड्रग्स का बार बार रिपीटेशन हो रहा था, तो पूछता है गुरुजी ये तो कम ही हो रही है ना, 245 ही हो रही है या जो भी हो रही है, तो वो बता नेतानी भगवान पंच कषाय शतानी पूरी है, तो ये 500 कहाँ पूरी हो रही है, तो ये डाउट आ गया ना। देखो एक क्वेश्चन ही है, नेतानी भगवान नहीं हो रहा है पंच कषाय, तो भगवान जिसमें आता है वो कौन सा सूत्र होता है? शिष्य सूत्र होता है। जैसे भगवान बोलते हैं ना, अपन भगवान बोलते हैं गुरु को कि ये भगवान, तो ये शिष्य ही बोल सकता है, तो शिष्य सूत्र में भगवान आता है, जबकि बुद्धि जो किस कोटेशन में आएगा, गुरु में आएगा, ध्यान रखना। फिर देखो प्रतिसंस्कृता सूत्र में क्या आता है, तम उवाच भगवान आत्रे, आत्रे आ रहा पीछे है ना, तो आत्रे तो कौन थे? गुरु थे, और वो भगवान हुए, तो भगवान और गुरु दोनों का नाम आ गया प्रतिसंस्कृता में, और एक ही सूत्र में अलग आएगा। जैसे कुमार सिर, कुमारस्य शिरः पूर्व अभिनिवर्तति कुमार सिरा, कुमार सिरा ने क्या बोला कि सिर की उत्पत्ति सबसे पहले होती है, तो ये अलग आचार्य का वर्णन है, इसलिए इसको एक ही सूत्र। तो ये पहले तो क्वेश्चन ये बनता है कि चरक संहिता में कितने सूत्र का वर्णन है, या कोई भी संहिता में कितने सूत्र बनाए जाते हैं, तो 4 सूत्र, गुरु शिष्य प्रतिसंस्कृता और एक ही सूत्र। गुरु सूत्र में क्या आता है? बुद्धि आता है, शिष्य सूत्र में भगवान आता है एक बार, प्रतिसंस्कृता में बुद्धि के भगवान के साथ आत्रेय आ गया, और एक ही सूत्र में क्या आ गया? अलग आचार्य का नाम आ जाता है, ठीक है। बस इतनी सी बात याद रखें। देखो आपको अभी ये नहीं पढ़ा रहे हैं, कुछ अलग ही है अपने संहिता से। अब मैं बात करता हूँ अपनी जो चरक संहिता है वो क्या है, अनादिता, शाश्वत क्यों बोला है, क्योंकि ये यूनिवर्सल बोला है अपने आयुर्वेद को, क्यों बोला है, तो इसका वर्णन मिलता है अपने को चरक सूत्र स्थान, सूत्र स्थान के 30वें चैप्टर में। क्या बोलता है शाश्वत क्यों है? इसके 3 रीजन देता है, अनादिता स्वभाव ससिद्धि लक्षणमता भाव स्वभाव नित्यता। तो ये 3 कारण है जिसके कारण आयुर्वेद क्या होता है, शाश्वत होता है। अनादित्वात यानी कि इसका ओरिजिन नहीं होता, नहीं इसका समा स्टॉपेज है,
यानी ओरिजन जिस चीज का होता है उसका समापन भी हो जाता है। और स्वभाव से सिद्धि लक्षणता, जो इसके लक्षण है वो स्वभाव से ही सिद्ध है। भाव स्वभाव नित्यता, जो भाव है स्वभाव है वो हमेशा नित्य होने वाले हैं, कभी समाप्त नहीं होते। तो ये तीन कारण है जिसकी वजह से क्या बोलते हैं, आयुर्वेद को शाश्वत बोलते हैं। ठीक है, अब देखना आगे और चीज अपन देखते हैं, फिर अपन देखते हैं। देखो कुछ चीज़ें और मैं आपको बता देता हूँ। कविराज गंगाधर ने चरक संहिता पर जल कल्प तरु टीका से प्रारंभ में चरक संहिता को अखिल शास्त्र विद्या कल्पद्रुम का, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, पुराने क्वेश्चन आप सोल्व करोगे ऑब्जेक्टिव या मैं आपको दूंगा उसमें मिलेगा, अखिल शास्त्र विद्या कल्पद्रुम किसने कहा चरक संहिता में, तो कविराज गंगाधर ने। अपने को पता है गंगाधर ने कौन सी टीका लिखी थी, तो जल कल्प तरु टीका लिखी। तो इसमें चरक संहिता को क्या कहा उसने, अखिल शास्त्र विद्या कल्प द्रुम का, यानी पूरी संहिता पूरे शास्त्र यानी यूनिवर्सल शास्त्र का एक बहुत बड़ा पेड़ है। द्रुम मतलब पेड़ है, विद्या कल्प द्रुम विद्या का एक पेड़ है ना। तो अखिल शास्त्र विद्या कल्प द्रुम किसने कहा, गंगाधर राय ने कहा। इतना सा क्वेश्चन कई बार आया। ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ चक्रपाणी के बारे में, आपके बात कर रहा था कि आयुर्वेद दीपिका टीका लिखी इसने, तो देखो इसको क्या बोल दिया, चरक पर भी बहुत अच्छी टीका लिखी है, इसलिए इसको चरक चतुरानंद बोला चक्रपाणी को। ठीक है ना, अपने याद रखा था ना दीपिका आता है इसमें, तो चरक पे बहुत बेस्ट टीका लिखी है आयुर्वेद दीपिका, इसलिए इसको क्या बोला है, चरक चतुरानंद। चतुर मतलब चार, आनंद मतलब मोह, यानी फोर डायमेंशनल अध्ययन करने के कारण इसको चरक चतुरानंद नाम पड़ गया, किसका, चक्रपाणी। और सुश्रुत पर इसने भानुमति टीका लिखी, इतनी बेस्ट टीका है कि इसको बोल दिया सुश्रुत सहस्त्र नयन, है ना, ये थोड़ा गलत है, यहाँ पर काट लेना, यहाँ पर सही कर लेना आपको, सुश्रुत सहस्त्र नयन बोला इसको, ध्यान रखना चक्रपाणी को क्या बोलते हैं, सुश्रुत सहस्त्र नयन और चरक चतुरानंद। सहस्त्र मतलब 1000, नयन मतलब आँखों वाले, तो सुश्रुत सहस्त्र नयन यानी कि 1000 आँखों जितना अपन बार बार पढ़ें उसको, इतनी बेस्ट टीका सिर्फ एक ही बार पढ़ लो भानुमति टीका, इसलिए इसका चक्र पाणी धारा लिखी गई थी, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, सुश्रुत सहस्त्र नयन पड़ गया। ठीक है, फिर देखो और बातें देखें कि वीरभूमि बंगाल मयूरग्राम, ये कुछ पूछता नहीं है लेकिन ये जरूर पूछ रखा है कि द्रव्य गुण संग्रह है ना किसके द्वारा लिखी गई है, तो चक्र पाणी धारा लिखी गई, क्योंकि आप डीजी पढ़ते हो सेकंड ईयर में द्रव्य गुण विज्ञान, तो वो प्रियव्रत शर्मा पढ़ते हो, है ना, प्रियव्रत शर्मा बार बार, तो वहाँ पर ये नाम बार बार सुनते हो प्रेवत प्रे, तो ये क्या है, द्रव्य गुण संग्रह है ना, चक्रपाणी दत्त की द्रव्य गुण संग्रह। फिर आता है देखो इसमें और कुछ, मनोरमा खंडन टीका, शब्द चंद्रिका, सर्वसार संग्रह, चिकित्सा संग्रह, ये चिकित्सा संग्रह भी इम्पोर्टेंट है, एक बार पूछा गया क्वेश्चन है कि चिकित्सा संग्रह किसकी है, तो चक्रपाणी दत्त की। ठीक है, और इसका काल क्या है, 11वीं शताब्दी, है ना, एक और एक मिलते हैं तो क्या चलाते हैं, चक्कर चलाते हैं आपस में, तो चक्रपाणी का काल क्या हो गया, 11वीं शताब्दी, ध्यान रखना ऐसे याद करने पड़ेंगे आप। फिर अरबी में अनुवाद कब किया गया, तो 8वीं सदी में अनुवाद किया गया है चरक संहिता का, किसके किसके नाम से बनाई गई उस चरक संहिता का, क्या नाम रखा गया जो अरबी में बनाई थी, तो सरक इंडियानस नाम रखा गया। ठीक है, सरक इंडियानस मतलब इंडिया से ली गई थी, आनस मतलब वो एक कमेंट्री, तो सरक इंडियानस नाम रखा गया अरबी में चरक संहिता का, और कौन से काल में लिखी गई थी, 8वीं सदी। फिर मैं आपको और चीज़ें बता देता हूँ, प्रमुख हिंदी टीकाकार हुए हैं अपने आत्मदेव विद्या, है ना, अपन जो पढ़ रहे हैं विद्योधनी टीका पढ़ेंगे, देखो कल से अपन स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर, तो वहाँ पर विद्योधनी, अब उस टीका में किसने लिखी थी, तो काशीराज पांडे और गोरखनाथ चतुर्वेदी। ये क्वेश्चन भी कई बार BMS जो फर्स्ट ईयर अभी लेटेस्ट आए उन स्टूडेंट से वाइवा में पूछा गया था कि आप कौन सी टीका पढ़ रहे हो चरक की, है ना, तो विद्योधनी टीका, और उसके टीकाकार का क्या नाम था, तो काशीराज पांडे और गोरखनाथ चतुर्वेदी। ठीक है, ब्रह्मानंद त्रिपाठी की भी टीका है चरक चंद्रिका, हिंदी टीका है ब्रह्मानंद टीका त्रिपाठी की, विद्याधर शुक्ल और रविधर त्रिपाठी की भी है, और प्रोफेसर बनवारी लाल गौड़ ने आयुर्वेद दीपिका का हिंदी अनुवाद किया है। देखो आयुर्वेद दीपिका किसकी थी, चक्रपाणी की, उसकी हिंदी अनुवाद किसने किया, प्रोफेसर बनवारी। तो यहाँ से जो पहले आया हुआ क्वेश्चन है वो एक तो ये है और एक ये है बस, है ना, ब्रह्मानंद त्रिपाठी चरक चंद्रिका टीका। फिर देखो अंग्रेजी में भी अनुवाद किया, जैसे 8वीं शताब्दी में किसमें किया था, अरबी में किया था, वैसे अंग्रेजी में भी अनुवाद किया है अविनाथ चंद्र कपिलरत्न ने, अपूर्ण प्रकाशित कलकत्ता से किया था ये चित्रण, और 1890 में रखा गया था। चरक क्लब कहाँ पर है, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, क्योंकि चरक क्लब कहाँ है, अपने चरक भारत से संबंधित है, तो अपन भारत ही करेंगे आंसर, लेकिन बेटा वो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना न्यूयॉर्क में स्थित है, और कब बनाया था ये, 1898 में, किसके द्वारा, प्रोफेसर आल्सर द्वारा स्थापित किया गया था।
ठीक है, किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया था ये, प्रोफेसर आल्सर, और कब किया था, 1898 में। कहाँ पर स्थित है, न्यूयॉर्क में। पहली बात तो यही ध्यान रखना कि इंडिया में नहीं है चरक क्लब, कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में, ठीक है, हर चीज़ का ये नहीं है मतलब। फिर है देखो, छः शिष्य हुए आत्रेय पुनर्वसु के, कितने शिष्य हुए, छः शिष्य, कौन कौन से, अग्निवेश, पाराशर, जतुकर्ण, हारी, भेल, शार्पण। कैसे याद करोगे, अपराजित है भेलशा, अ मतलब अग्निवेश, परा से पाराशर, जीत से जत्तुगण, हे से हारी, भेल से भेल, और सार से सारपाण। तो अपराजित है भेलशा, अग्निवेश, पाराशर, जत्तुगण, हारी, भेल, शारपाण, छह शिष्य हुए इनके। कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है निम्न में से आत्रेय पुनर्वसु का शिष्य नहीं है, तो अपने को पता होना चाहिए। देखो कुछ इंपॉर्टेंस है चरक संहिता की, इसके साथ ही अपन लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे आज का। चरक संहिता की विशेषता या क्या इंपॉर्टेंस है, तो आचार्य रसायन का वर्णन सिर्फ और सिर्फ अपने को कहाँ मिलता है, चरक संहिता में मिलता है। संभाषा का वर्णन जो सबसे ज़्यादा संभाषाएं हुई हैं, या संभाषा का जो स्पष्टीकरण अत्यंत विस्तारपूर्वक वर्णन कहाँ पर मिलता है, चरक संहिता में। चरक संहिता में कुल 7 संभाषाएं हुई हैं, और जो संभाषाएं होती हैं उसमें क्या है, बहुत सारे वैद्य लोग आते हैं, तो वैद्य समूह निसंशयकरणम, जो अपने डाउट आते हैं किसी डिजीज को लेकर, तो वो अपन किसी अदर वैद्य से पूछ सकते हैं कि सर मैंने ये ट्रीटमेंट किया था तो मेरे ये रिजल्ट आए, लेकिन जो मैं आशा कर रहा था जिन रिजल्ट की, वो नहीं आए, तो क्या कारण था, तो मेरी चिकित्सा में या निदान में ये कारण था जो मैंने नहीं देखा, तो इसलिए क्या है, निसंशय यानी डाउटफुल कंडीशन को हटाया जा सकता है। तो कब हटाएंगे, जब वैद्य समूह बनेगा, यानी जब अपन क्या करेंगे, संभाषा करेंगे, ठीक है। तो जैसे अपन भी कर रहे हैं, डाउटफुल कंडीशन जो भी आएगी अभी देखेंगे डाउटफुल सेशन में, तो उससे क्या है, निसंशय कराना। तो ये अग्रह है ना, वैद्यों का समूह, निसंशय कराना। लोक पुरुष साम्य सिद्धांत बताए किसने, चरक संहिता ने बताया, मतलब चरक ने बताया था, और चरक की मौलिक देन मानी जाती है लोक पुरुष साम्य सिद्धांत, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। फिर आता है, फिर यहाँ पर आता है कि प्रमाणों में युक्ति को ध्यान रखना, चरक ने युक्ति प्रमाण को माना है और उपमान प्रमाण सुश्रुत ने माना। डायरी में लिख लेना, जहाँ पर भी आप लिखो कि युक्ति प्रमाण किसकी देन मानी जाती है, तो चरक की मौलिक देन, जबकि उपमान प्रमाण किसकी मौलिक देन मानी जाती है, अपने सुश्रुत की मानी जाती है। फिर देखो, प्रमाण की दे परीक्षा शब्द, जो प्रमाण है, वैसे तो परीक्षा प्रमाण एक सिनोनिम से, लेकिन परीक्षा बोला है प्रमाण के लिए, वो आचार्य चरक ने बोला, ठीक है। दशविध परीक्षा भी आप पढ़ोगे, जब रोग निदान पढ़ोगे आप सेकंड ईयर में, दशविध परीक्षा है, दशविध परीक्षा भाव चरक की मौलिक देन मानी जाती है। और स्वभाव परमवाद बहुत इंपॉर्टेंट है, 16वें चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगा सूत्र स्थान के, स्वभाव परमवाद चरक की मौलिक देन है, ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन आए हैं इसलिए याद रखना है। रसायन के विषय ये छोड़ देना। फिर देखो, द्रव्यों के रचना अनुसार कर्मानुसार वर्गीकरण। आप यदि डीजी पढ़ रहे होंगे अभी स्टार्टिंग में, आपने सर आपको सर ने पढ़ाया होगा कि द्रव्य का क्लासिफिकेशन रचनात्मक और कर्मानुसार करते हैं। रचनात्मक मतलब उसकी शेप साइज या मॉर्फोलॉजी क्या है, कर्म मतलब वो क्या काम करता है, जैसे अपन पढ़ेंगे ना कषाय पढ़ेंगे, तो वो कर्म अनुसार ही तो डिवीजन है, क्लासिफिकेशन है, तो वो ये किसने किया था सबसे पहले, चरक सही, ठीक है, ध्यान रखना। फिर देखो, 50 महाकषाय का वर्णन मिलता है चरक में, निदान पंचक का वर्णन मिलता है ना, निदान रूप उपचय संप्राप्ति लक्षण, ये सारे पंचक होते हैं ना, निदान पंचक। चरक संहिता में इतिहास शब्द कितनी बार आए, ये क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे 2 बार, और सांख्य शब्द आता है 5 बार, क्योंकि रिपीटेशन हो जाता है कई बार क्वेश्चन का, तो अपन ये थोड़ी कह सकते हैं पुराने समय आते थे अभी नहीं आ रहे। तो चरक संहिता में जो इतिहास शब्द है वो 2 बार आता है, और 5 बार सांख्य शब्द का वर्णन आया है, ठीक है, तो ध्यान रखना। देखो, इतिहास को कैसे याद रखोगे, आप यदि रात याद रखना चाहो तो, जैसे कि इतिहास 2 जगह से बनाया जाए, एक तो पुराना और एक अभी, तो इतिहास शब्द 2 बार आया है, वर्ड को याद रखने के लिए ध्यान रखना, पुराना और अभी का इतिहास होता है, तो 2 टाइम का इतिहास होता है, तो इतिहास शब्द कितनी बार आया है, 2 बार, सिर्फ याद रखने के लिए बता रहा हूँ, और सांख्य शब्द 5 बार आया है, ठीक है। फिर चरक ने वाद के भेदों का वर्णन किया है, सुश्रुत ने पित्त के, और भागभट ने कफ के भेदों का वर्णन किया है। आप बता सकते हो कि वाद के कितने 5 भेद होते हैं, है ना, मैं आपको बताऊंगा कैसे इनको याद रखना होता है अपन जैसे जैसे पढ़ेंगे। फिर ओज को मधु कहा है, जैसे कि अपन प्रमेय पढ़ेंगे, प्रमेय में ओजो में आएगा, वहाँ पर मधुमेह लिखा हुआ होता है, तो ओज को क्या बोला है, इसने मधु बोला है, हनी की तरह, ठीक है। और चरक ने पुरुष और चिकित्सा, हाँ, चिकित्सा के षोड़श कला युक्त बताया, ध्यान रखना, चिकित्सा को षोड़श कला, यानी 4-4 गुण कितने होते हैं, 4 चीज़ें होती है ना,
जो चार चार गुण वाली चार चीजें होंगी, तो षोड़श कला युक्त चिकित्सा होती है। चरक संहिता में सर्वप्रथम अरसकृति शब्द का वर्णन में उल्लेख आया है, लेकिन सबसे डिस्क्रिप्शन जो अच्छा मिलता है वो अपने शुश्र संहिता में मिलता है। फिर इसमें क्या है, आतुर को रखने के लिए आतुरालय, श्रुतिका को रखने के लिए श्रुतिकागार, कुमार को रखने के लिए कुमारागार। जैसे आतुरालय यानी कि मैं बात करूँ जो आईपीडी होती है ना, जहाँ पर पेशेंट को एडमिट करवाया जाता है वो आतुरालय होता है। श्रुतिकागार जहाँ पर अपने डिलीवरी होने के बाद जो प्रसूता होता है उसको रखी जाती है, जैसे कि डिलीवरी हो रही है मतलब डिलीवरी अभी तक तो हुई नहीं है, तब तक उस फीमेल को क्या बोलेंगे अपन, गर्भिणी बोलेंगे। और लेकिन डिलीवरी हो गई उसके बाद अपन उसको क्या वर्ड दे देते हैं, सूतिका बोलते हैं। ठीक है, तो अपन रखते हैं ना आफ्टर डिलीवरी भी, तो वो किस में रखते हैं, सूतिकागार में। और कुमारागार क्या होता है, जहाँ पर अपन NICU होता है ना, जहाँ पर बच्चा पैदा होने के बाद उस बच्चे को रखा जाता है ना, उसको बोलते हैं कुमारागार। ठीक है, इन तीनों का वर्णन कहाँ पर मिलता है, अपने को चरक संहिता में मिलता है। फिर चरक संहिता में कुल आचार्य बता दिए 68 और 14 देश बता दिए, ये बात कर चुके हैं। और ध्यान रखना काश्यप संहिता में भी 15 आचार्यों का वर्णन मिलता है, क्वेश्चन एक बार आया हो, लेकिन अपन चरक पढ़ रहे हैं इसलिए इसकी बात अभी नहीं करेंगे, है ना। सूत्र स्थान में 7 चतुष्क का वर्णन है और 2 संग्रह बात कर चुके हैं। चतुष्क में भेषज स्वस्थ निर्देश कल्पना रोग इनकी बात कर ली, 12,000 श्लोक थे है ना इनकी बात, 92-95 सूत्र थे इनकी बात कर ली, 1950 औषध योग थे इनकी बात कर ली, और विभिन्न ऋषि चिकित्सक उनके देशों का वर्णन अपन ने देखा। देखो अब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसके साथ अपन इसको कवर कर लेंगे कि देखो सूत्र स्थान के जो सिनोनेम्स हैं वो अपन देख लेते हैं। सूत्र स्थान को श्लोक संग्रह या आशय या शीर्ष शुभम भी बोलते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आता था पहले, जो पुराने क्वेश्चन आप देखोगे कि आशय स्थान किसे बोला है, तो सूत्र स्थान को बोलते हैं, है ना। शीर्ष शुभम किसको बोला है, सूत्र स्थान। ठीक है, ये थोड़ा अलग ही रहता है इसलिए याद नहीं रहता, ध्यान रखना। आशय स्थान, शीर्ष शुभम, सूत्र स्थान को, निदान को व्याधि संग्रह कहते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं इतना क्योंकि व्याधि से याद रख लोगे निदान। फिर विमान में ध्यान रखना निग्रह स्थान बोला है। ठीक है, शारीरिक स्थान को आशय स्थान बोलते हैं या आत्मनिश्चय स्थान बोलते हैं। ठीक है, इंद्रिय स्थान को अरिष्ट स्थान बोला है। चिकित्सा स्थान को क्या बोलते हैं, औषध योग संग्रह उत्तम स्थल बोला है। उत्तम रहस्य स्थान किसको बोलते हैं, चिकित्सा स्थान को। सुंदर स्थान या गुप्त स्थान किसे बोला है, चिकित्सा, क्योंकि यहाँ पर गुप्त बातें हैं, यहाँ पर बहुत बेस्ट बातें जो आपको चिकित्सा में बहुत हेल्प करेगी, बहुत उत्तम रहस्य हैं, जहाँ बहुत छोटी छोटी रहस्य आपको मिलेंगे कि भैया ये लेने से ये हो जाता है, ये लेने से ऐसे, है ना। और कल्प स्थान को दिव्य स्थान बोला है। ठीक है, तो सूत्र को आशय से शुभम बोलते हैं, जबकि शारीर को आशय बोलते हैं, आश्रय। आश्रय स्थान शारीरिक स्थान है, क्योंकि अपन कहते हैं ना आत्मा का आश्रय क्या है, अपना शरीर है, तो आत्मा का वर्णन है ना अपने शारीरिक स्थान में, तो आश्रय स्थान शारीरिक स्थान को बोलते हैं, जबकि सूत्र स्थान को आशय बोलते हैं। ठीक है, चिकित्सा स्थान में ये क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तम रहस्य स्थान या गुप्त स्थान किसे बोलते हैं, चिकित्सा स्थान, तो ये भी आपको याद रखने होंगे। सिद्धि स्थान का कोई सिनोनिम्स नहीं है ना। फिर देखो यहाँ पर जो संभाषाएं हुई है वो कहाँ कहाँ पर हुई है, या कितने देशों का वर्णन है चरक संहिता में, कितने स्थान का वर्णन है ये देखूँ, तो देखो दीर्घन जीवितम में जो संभाषा हुई वो कहाँ है, पांचवें हिमालय, हिमालय के लेटरल साइड में। जो जनपदवंशी पढ़ाऊंगा मैं विमान स्थान में, वहाँ पर आएगा कौन से देश का वर्णन, पंचाल क्षेत्र, पांचाली जहाँ की थी ना उस क्षेत्र का वर्णन आए। कपिल जो रक्तपित का वर्णन है वो पंचगंगे देश में वर्णन है, ध्यान रखना। वो जो रक्तपित पढ़ाऊंगा मैं आपको चिकित्सा स्थान में पढ़ेंगे, जब भी पढ़ेंगे वहाँ पर कौन से देश का वर्णन आएगा, पंचगंगे, जबकि जनपदवंश में पंचाल क्षेत्र का वर्णन। उधर चिकित्सा अपन पढ़ते हैं तो वहाँ पर आता है कैलाश नंद ऊपर, अतिसार में पढ़ोगे हिमालय पाश्व, तो ध्यान रखना ये अतिसार दीर्घन जीवितम में सेम स्थान है। और योनि व्यापद में जो तीसरा चैप्टर है चिकित्सा स्थान का, उसमें भी कौन से देश का वर्णन है, हिमालय पाश्व, है ना। देखो अतिसार, योनि व्यापद और सूत्र स्थान का दीर्घ जीवित, इनमें सेम देशों का वर्णन आया है, हिमालय पाश्व, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, फिर कुछ चीज़ें और आती है, देखो लास्ट बस यही बचा है, अपन इसको भी देख लेते हैं आज के लेक्चर में, ताकि कल अपना पहला चैप्टर स्टार्ट हो सके। हेतु चतुष्क क्या होते हैं, अयोग, अतियोग, मिथ्यायोग, संयोग, ये क्या होते हैं, हेतु चतुष्क। त्रिविध हेतु संग्रह क्या होते हैं, अयोग, अतियोग और मिथ्यायोग। त्रिविध ज्ञान उपाय क्या होते हैं, अध्ययन, अध्यापन और तद्वित संभाषा, त्रिविध ज्ञान उपाय होते हैं, रटना है इनको। त्रिविध रोग ज्ञान उपाय बताती है, त्रिविध ज्ञान संग्रह क्या होते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप तो उपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान। त्रिविध बौद्ध संग्रह क्या होते हैं, प्रकृति, अधिष्ठान और समुदान, इसको याद रखना, पास है ना, पी ए एस,
है ना, पास से याद रखना, प्रकृति अधिष्ठान और समुत्थान त्रिविध बौद्ध संग्रह कहते हैं, आपके आएगा वहाँ पर जब आप पैथोलॉजी पढ़ोगे। अर्थद्वय आरोग्य और इंद्रियों पर विजय पढ़ना, सद्वर्त जब अपन फॉलो करते हैं ना, जब आपके हाइजीन भी अभी सेकंड ईयर में, आप सेकंड ईयर में हाइजीन पढ़ रहे हो, तो वहाँ आता है सद्वर्त। सद्वर्त का परिपालन करने से क्या होता है, आरोग्य मिलती है और इंद्रियों पर विजय मिलती है। तो ये क्वेश्चन आया था अभी हाल ही में, जो सेकंड थर्ड ईयर का एग्जाम हुआ था हाइजीन का, उसमें पूछा था कि जो सद्वर्त है उसके परिपालन से क्या प्राप्ति होती है, तो आरोग्य और इंद्रियों पर विजय। तो इसको क्या बोलते हैं, अर्थद्वय बोलते हैं। त्रिसूत्र या त्रिस्कंद हेतुलिंग औषध को बोलते हैं, स्कंदत्रय हेतु दोष द्रव्य को बोलते हैं, और त्रिविध आश्रय क्या होते हैं, शरीर सत्व और इंद्रिया। व्याधि या सुख के आश्रय शरीर और मन होते हैं। देखो शरीर मन में डिजीज भी हो सकती है, शारीरिक और मानसिक, सुख मिलेगा वो भी अपने शारीरिक और मानसिक सुख होता है। त्रिदंड में सत्व आत्मा शरीर आता है, त्रिस्तंभ में वातपित का पाते हैं, और त्रयोविस्तम में आहार निंद्रा और ब्रह्मचर्य आती है, जबकि वाग्भट क्या बोलता है, अब्रह्मचर्य बोलता है, किसकी जगह, ब्रह्मचर्य की जगह। ठीक है, चरक क्या बोला, ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो यहाँ पर अपना जो इतिहास वाला पॉइंट है वो यहाँ पर खत्म होता है।